कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। बात करेंगे मटेरियल बाजार के बारे में, जानेंगे मटेरियल बाजार में एलएमई और एमसीएस के बारे में। आज वीकेंड है, बाजारों में किस तरह का कारोबार एलएमई एमसीएस में देखा जा रहा है, दिल्ली मटेरियल बाजार में किस तरह कारोबार चल रहा है और मुंबई के बाजार में मटेरियल बाजार में किस तरह की कीमतें देखी जा रही है, इस बारे में बात करेंगे। जानेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, बाजारों में आज का कारोबार और आज का ट्रेंड। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कीजिए। तो सबसे पहले अगर कीमतों के बारे में बात करी जाए, कल के दिन बाजारों में रिकवरी के साथ कारोबार देखा गया दिल्ली और मुंबई के बाजार में, लेकिन आज ऊपरी स्तर से दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग आई है, जिसकी वजह से बाजारों में नरमी के साथ कारोबार देखा जा रहा है। गिरावट बाजारों में आप दर्ज करके चल सकते हैं। सबसे पहले कीमतों के बारे में अगर बात करी जाए, कॉपर का एल्युमिनियम में लेवल 7,700 रुपए रहा, 644 रुपए एमसीएस कीमतें देखी गई। एल्युमिनियम का एल्युमिनियम में लेवल 2,298 रुपए देखा गया, 200 रुपए एमसीएस कीमतें एल्युमिनियम में रही। लेड के बारे में अगर बात करी जाए, 1,910 रुपए एलएमई की कीमतें लेड में देखी गई, 178 रुपए 30 पैसे एमसीएस का रेट लेड में देखा गया। जिंक के बारे में बात करते हैं, 3,145 रुपए जिंक का रेट एलएमई में देखा गया, 281 रुपए एमसीएस में जिंक में देखी गई है। इसके अलावा गोल्ड के बारे में अगर बात करी जाए, गोल्ड में कॉमेक्स का लेवल 1,672 रुपए 50 पैसे रहा, 49,235 रुपए एमसीएस की कीमतें आप गोल्ड में देखकर चल सकते हैं। सोने में बाजारों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। सिल्वर के बारे में अगर बात करते हैं, 19 रुपए 20 पैसे कॉमेक्स की कीमतें सिल्वर में है, 56,300 रुपए एमसीएस का रेट सिल्वर में देखा गया है। क्रूड ऑयल के बारे में जान लेते हैं, तो 50 रुपए 30 पैसे कॉमेक्स की कीमतें क्रूड ऑयल में है, 6,812 रुपए एमसीएस का रेट आप क्रूड ऑयल में देखकर चल सकते हैं। दिल्ली मटेरियल बाजार के बारे में अगर बात करी जाए, दिल्ली मटेरियल बाजार में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बाजारों में गिरावट के साथ कारोबार देखा गया है। कॉपर के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, कॉपर सुपर एचडी का रेट 712 रुपए हो गया है, कॉपर केबल स्क्रैप की कीमतें 681 रुपए हो गई है। कॉपर आर्मेचर का रेट आप 670 रुपए देख कर चल सकते हैं। एल्युमिनियम बर्तन की कीमतें 175 रुपए है, एल्युमिनियम वायर स्क्रैप का रेट 200 रुपए बाजारों में देखा गया है, एल्युमिनियम पुर्जे कीमतें 151 रुपए देखी गई हैं। जिंक के बारे में अगर बात करी जाए, जिंक हिंदुस्तान का रेट 290 रुपए रहा है, लेड की कीमतें 170 रुपए देखी गई हैं। लायबिलिटी का रेट, मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। लायबिलिटी का रेट आप 190 रुपए देख कर चल सकते हैं। बैटरी के बारे में बात करते हैं, तो बैटरी स्क्रैप का रेट 95/113 रुपए बाजारों में देखा गया है। निकल की कीमतें बाजारों में 2,000 रुपए हो गई हैं। टिन नागे का रेट बाजारों में 1,840 रुपए आप देख कर चल सकते हैं। ब्रास पीतल का रेट 467 रुपए है और SS बर्तन स्क्रैप की कीमतें बाजारों में 70 रुपए देखी गई हैं। इसके अलावा मुंबई के बाजार के बारे में अगर बात करी जाए, तो मुंबई में भी बाजारों में हल्की फुल्की नरमी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आई है। कॉपर केबल स्क्रैप का रेट 651 रुपए है, कॉपर आर्मेचर का रेट 641 रुपए है, ब्रास स्क्रैप की कीमतें 467 रुपए रही है, एल्युमिनियम स्क्रैप का रेट 154 रुपए आप देख कर चल सकते हैं। इंगट के बारे में अगर बात करी जाए, जिंक इंगट का रेट 293 रुपए है, लेड इंगट का रेट 190 रुपए है, टिन इंगट का रेट 1830 रुपए चल रहा है। निकल कैथोड की कीमतें आप मुंबई के बाजार में 1,973 रुपए देख कर चल सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है ट्रेडिंग रेंज, उसके बारे में बात करते हैं। तो बाजारों में जो गिरावट देखी गई है, उसको देखते हुए एक अच्छा सपोर्ट का लेवल कॉपर में 668 रुपए है। रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करी जाए, 680 रुपए ऊपरी स्तर पर एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। कॉपर में लेड में एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 176 रुपए है, रेजिस्टेंस लेवल 178 रुपए है। जिंक में एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 290 रुपए है, रेजिस्टेंस लेवल 298 रुपए है। निकल के बारे में अगर बात करी जाए, एक अच्छा सपोर्ट का लेवल निकल में 1,970 रुपए है, रेजिस्टेंस लेवल 2,030 रुपए आप बाजारों में देख कर चल सकते हैं। तो बाजारों में प्रॉफिट बुकिंग है, इसकी वजह से बाजारों में आप कह सकते हैं गिरावट दर्ज करी जा रही है। और ग्लोबल मार्केट जो है, विदेशी बाजार जो है, बेहद अनस्टेबल है, तो उस चीज का भी इफेक्ट आप देख कर चल सकते हैं। अब आने वाले हफ्ते में जब नया हफ्ता आएगा, सोमवार के टाइम तक आपको किस तरह का विदेशी बाजार देखने को मिलता है, इस बात पर कई हद तक भारतीय बाजार डिपेंड करेगा, क्योंकि वीकेंड है तो विदेशी बाजार बंद रहेंगे, कल के दिन भी विदेशी बाजार बंद रहेंगे, तो आपको इसी हिसाब का कारोबार देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ट्रेंड फिलहाल के लिए निगेटिव नजर आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।